हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट पवन उराव में। तो आज मैं आया हूँ मेरे गांव पे, यानी कि मेरे घर पे। यहाँ पर ही देख ही सकते हैं मेरे घर का नज़ारा। और मैं आज आपको सारे आर्टवर्क दिखाने वाला हूँ जो मैं पहले बनाया हुआ हूँ जब मैं घर में था। अभी तो मैं रांची सिटी में रहता हूँ। और इधर देखिए मेरा आर्टवर्क सब है, और भी काफ़ी सारे हैं। इधर भी है, ये साइड थोड़ा सा, ये सब सभी आर्टवर्क्स हैं, जितने भी दिख रहे हैं सभी आर्टवर्क्स हैं। और इधर मैं कुछ बिछा दिया हूँ, यहाँ जगह नहीं होने के कारण मैं ये सभी को छोड़ दिया हूँ। तो देखिए कितने सारे हैं, मैंने काफ़ी मेहनत किया है तब जाके आज इतना इम्प्रूव हो पाया है, इतना अच्छा कर पाता हूँ। तो कोई भी चीज़ बिना मेहनत की नहीं होती है। तो देखिए कितने सारे, आपको खुद दिख रहा होगा कि कितनी मेहनत छुपी हुई है। आज जो बेहतर बेहतर आर्टवर्क बनते हैं मेरे से, इसके पीछे कितने सारे आर्टवर्क छिपे हुए हैं। मैं ये एक दो महीनों से नहीं, ये मैं सालों से कर रहा हूँ। ये मैं 2020 में स्टार्टिंग किया था, फिर अब हो गया लगभग 3 साल हो गया है। ये वो सभी आर्टवर्क है जो मैं शुरुआती दौर पे बनाया करता था। ये कॉपी पे देख ही सकते हैं, कुछ ऐसा सूटेबल नहीं लग रहा था। और एक है, फिर एक कॉपी और है, देख सकते हैं काफ़ी पहले का ये जो आर्टवर्क सब है, ये सबको देख के लगता है कि मैं कुछ सीखा हूँ। अगर यहीं पर ही मैं हार मान लेता, अगर बोलता कि मुझसे नहीं हो रहा है, नहीं करूँगा, तो आप सोच ही सकते हो आज मैं इस लेवल का एक आर्टिस्ट नहीं बन पाता। तो कुछ भी चीज़ करने से पहले अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। जो भी कर रहे हो उसे बेस्ट मानो, आने वाले दिनों में वो इम्प्रूव होगी और बेहतर से बेहतर आप कोई भी काम को कर सकते हो, भले आज वो काम अच्छी नहीं हो रही है। जैसे कि मेरा ही उदाहरण लो, इतने सारे आर्टवर्क बनाने के लिए मैं पीछे कब इतना इतना बन गया तो मुझे तो पता ही नहीं चला कैसे कैसे इतना मैंने बना लिया। बस यही छोटा सा जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।